वेलकम बैक क्लास. बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक बना के रखा है, इसको नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स. चलिए क्लास शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कि सारे डेसिमल सिस्टम के नंबर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, हाँ खत्म हो गया. डेसिमल सिस्टम के सारे नंबर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आपको किसी ने बोला चलिए बताइए 2.42 नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर है 3, खत्म हो गई बात. क्योंकि इसके अंदर जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं 2, 4 और 2 ये दोनों के दोनों डेसिमल सिस्टम में आते हैं. कोई भी और नंबर ले सकते हैं आप, 16.52 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, खत्म. क्योंकि ये 1, 6, 5, 2 सब डेसिमल सिस्टम में आपको दिखाई दे रहे हैं. पर अगर किसी नंबर में जो आपको दिया जाए उसके अंदर अगर आपको जीरो का इंक्लूजन दिख रहा है तो जीरो तीन तरह के रोल्स प्ले करेगा. उन तीनों तरह के रोल्स को पहले यहाँ पे जज कर लेना है, उसके बाद जीरो के बारे में गेसिंग करनी है. फॉर एन एग्जाम्पल क्लास कि जीरो तीन तरह से आपको दिख सकता है. वो ट्रैप हो सकता है, वो लीड कर सकता है, या वो ट्रेल कर सकता है. ट्रैप करने का मतलब है कि जीरो दो नंबर के बीच में फंसा हुआ है. लीड करने का मतलब है कि जीरो पहले आ रहा है. ट्रेल करने का मतलब है कि जीरो पीछे है. इन तीन जीरोस को देख के भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात की जा सकती है. अगर जीरो किन्हीं दो नंबर के बीच में ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है किसी दो नंबर्स के बीच में, नंबर मतलब ये वाले 1, 2, 9 के बीच में अगर कोई जीरो फंसा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट होगा. लीड कर रहा है मतलब नंबर के पहले है तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा. इन दोनों का पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में एक बात फंस जाए. सपोज कीजिए यही नंबर होता 1.02.01, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? क्या आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जीरो इन दो नंबर के बीच में फंसा हुआ है, मतलब ये ट्रैप्ड है? क्या ये जीरो इन दो नंबर के बीच में फंसा हुआ है, ये भी ट्रैप्ड है? मतलब पहले से 1, 6, 2, 1 ये पहले से सिग्निफिकेंट थे, अब ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हो गए हैं जीरो क्योंकि ये लोग ट्रैप्ड है. तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. क्योंकि ये जो जीरो आपने देखा वो किस कंडीशन में आता है? ट्रैप्ड वाले कंडीशन में आता है. एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर द लीडिंग जीरोस. सपोज कीजिए आपके पास नंबर है 0.00201. क्या आपको पता चल रहा है ये जितने भी जीरोस हैं ये सारे के सारे लीडिंग में आते हैं. लीडिंग का मतलब है ये लीड कर रहे हैं नंबर को. बट ये जो जीरो है ये इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है. ये जो लीडिंग नंबर्स हैं ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किए जाएंगे. तो कौन काउंट किया जाएगा? ये दोनों डेसिमल सिस्टम में आते हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, और ये बंदा दोनों के बीच में फंसा हुआ है, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है. तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3 आउट हियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर द ट्रेल. ट्रेल मतलब जो जीरोस पीछे की तरफ आ रहे हैं. दो केसेस बनेंगे ट्रेलिंग जीरो के अंदर, डेसिमल है और डेसिमल नहीं है. अगर कोई नंबर में आपको डेसिमल दिखाई दे रहा है और वो जीरो ट्रेल कर रहा है, ट्रेल का मतलब पीछे की साइड में आपको दिखाई दे रहा है, तो वो बंदा सिग्निफिकेंट कहलाया जाएगा. अगर आपको डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा है और वो जीरो बैक साइड में मतलब ट्रेल कर रहा है तो वो नंबर में सिग्निफिकेंस नहीं होगा जीरो का. फॉर एन एग्जाम्पल क्लास, क्या ये दो जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं? किस में आते हैं? लीड, पहले हैं, सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे. क्या ये टू सिग्निफिकेंट है? हाँ, क्योंकि डेसिमल सिस्टम में आता है. क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है? सबसे पहली बात, ये जीरो है कौन? ये जीरो ट्रेल कर रहा है. ट्रेल मतलब आखिर में है ये जीरो. अगर ये जीरो आखिर में है तो ये ट्रेल वाली कैटेगरी में आता है. ट्रेल वाली कैटेगरी में किस में आ रहा है? डेसिमल है या डेसिमल नहीं है? इसके पहले डेसिमल है मतलब ये कंसिडर किया जाएगा. मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2 आउट हियर. वन मोर एग्जाम्पल क्लास. सपोज कीजिए नंबर होता है यहाँ पे 200200. अगर आप सोचेंगे तो क्या ये इसमें सिग्निफिकेंस कितने हैं? 2 डेसिमल सिस्टम में आता है, एक सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा. ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं? सबसे पहली बात, ये दोनों जीरो ट्रेल में आते हैं, नंबर के पीछे हैं, बट इनके पहले कोई डेसिमल नहीं है, मतलब ये डेसिमल नहीं है वाली कैटेगरी में आते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर दिस नंबर विल बी 1. कुछ बच्चों को डाउट आता है कि ये जो डेसिमल है और डेसिमल नहीं है ये लीडिंग जीरोस के साथ एप्लीकेबल नहीं है कि ट्रैप जीरो के साथ एप्लीकेबल नहीं है. देखिए क्लास, इसमें डेसिमल हो या नहीं हो ट्रैप्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता. दो नंबर के बीच में ट्रैप्ड होना चाहिए, डेसिमल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को. फॉर एन एग्जाम्पल क्लास, 201. अब आप देख सकते हैं इसमें डेसिमल नहीं लगाया मैंने, पर ये नंबर सिग्निफिकेंट है. 2, 1 सिग्निफिकेंट है, पर ये बंदा जीरो जो ना ही लीडिंग में आता है और ना ही ट्रेल में आता है, ये बंदा ट्रैप्ड कैटेगरी में आता है क्योंकि ये दोनों के बीच में अटका है. पर आप देख सकते हैं इसके पहले डेसिमल नहीं है. मैंने इसके पहले ट्रैप्ड का एग्जांपल दिया हुआ, ये एग्जांपल ट्रैप्ड का मैंने दिया हुआ है. इसमें डेसिमल है बीच में,
फॉर द ट्रैप्ड, डेसिमल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्रैप्ड का मतलब है आप दो नंबर के बीच में फंसे हुए हैं, तो आप ट्रैप कैटेगरी में आएंगे. अगर आप ट्रैप्ड हैं मतलब आप सिग्निफिकेंट है. टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आउट हियर आर 3. सिमिलरली लीडिंग के केस में डेसिमल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हैं 0023, व्हाट डज दैट मीन? कुछ नहीं है वो जीरो, आगे के तो जीरो के उनका कोई मतलब ही नहीं बनता, तो वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर हाउ मच? 2. सिमिलरली अगर ये नंबर होता 0.23, अब आप देख सकते हैं पहले वाले में डेसिमल नहीं था, अब वाले में डेसिमल है. मतलब अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं है जीरो के बाद और यहाँ पे डेसिमल है, फिर भी यहाँ पे सिग्निफिकेंस 2 ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इसको लीडिंग ही माना जाएगा, यहाँ पे भी इसको लीडिंग ही माना जाएगा, क्योंकि ये नंबर के पहले आ रहे हैं. ट्रेल में सिर्फ इतना याद रखना है, ट्रेल के अंदर वो एंड में आते हैं. एंड में आने का मतलब अगर डेसिमल होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल नहीं होगा तो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा. कमेंट डाउन बिलो इफ यू वांट टू सी अ वीडियो ऑन अ टॉपिक व्हिच आई हैवंट अंडरस्टूड येट. थैंक यू सो मच.